गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जिस फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में हम अभी तक जो वेरियस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके क्या दायित्व होते हैं, पार्लियामेंट में कैसे वर्क होती है, कितने कौन दो वेरियस फॉर्म जो हमारे हाउसेस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, उसमें हम लोअर हाउस तक हम पहुँच गए थे, जिसमें हमने ये जाना था केवल कि कितने मेंबर्स होते हैं, क्या एज होनी चाहिए फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा कैंडिडेट्स। ओके, इसके अलावा हमने स्पीकर के बारे में जाना था। ओके, स्पीकर का क्या काम होता है। ओके, आज हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ लोकसभा या हाउसेस ऑफ द पीपल, इनके पास क्या पावर्स होते हैं। ओके, सबसे पहले होता है इनके पास लेजिस्लेटिव पावर, जिसके तहत ये कोई भी लॉ फ्रेम करते हैं। ओके, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इक्वल इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ लॉस। ओके, ये दो राज्यसभा एंड एज वेल एज लोकसभा जो है वो दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर फ्रेमिंग एनी काइंड ऑफ लॉ। सबसे पहले जो है लोअर हाउस यानी कि हमारे लोकसभा में पारित किया जाता है, किसी भी लॉ को फ्रेम करना हो तो कोई काउंसिल बनाना हो तो वहाँ पर पहले लॉ फ्रेम किया जाता है, फिर वहाँ से पास होता है और फिर इसके बाद वो राज्यसभा में आगे प्रोसीजर के लिए आगे भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो पावर है इनके पास कि किसी भी लॉ को फ्रेम कर सकते हैं या फिर किसी भी लॉ में कोई चेंजेस या अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। फाइनेंशियल पावर, कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द हाउस ऑफ पीपल पावरफुल सो फार एज फाइनेंशियल मैटर्स आर कंसर्न। फाइनेंशियल बिल्स आर इनिशिएटेड इन द हाउसेस ऑफ पीपल। ओके, जितने फाइनेंशियल से रिलेटेड बिल्स आते हैं, फाइनेंस रिलेटेड जितने भी नए कानून बिल्स बनते हैं, वो सब कुछ हाउसेस ऑफ पीपल एंड लोकसभा कैंडिडेट से वहाँ से वो बिल पारित करते हैं। हालांकि 14 डेज के अंदर में ये जो बिल है ये राज्यसभा भेजना पड़ता है, जब तक वो उसको पारित नहीं करते, तब तक वो सैंक्शन नहीं करते, तब तक वो बिल एक्ट के तौर पे नहीं बन सकता। अगर राज्यसभा में वो सैंक्शन नहीं होता तो केवल बिल बन के रह जाता है, वो एक्ट नहीं बन पाता है, कानून नहीं बन पाता। तो जितनी फाइनेंशियल बिल हालांकि लोअर हाउस पीपल को फ्रेम करने का अधिकार है, पर लेकिन उसको राज्यसभा से पारित यानी सैंक्शन भी करवाना पड़ता है। देन कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। ओके, मतलब कि जो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द हाउसेस ऑफ द पीपल, यानी कि जितने भी हाउसेस ऑफ द पीपल है, जो भी काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, यानी कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री, वो जो है रेस्पॉन्सिबल हैं हाउसेस ऑफ पीपल के ऊपर रिपोर्ट देने में। अगर हाउसेस ऑफ पीपल को ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है या वो अपने वर्क जो है एज ए कैबिनेट मिनिस्टर वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो ये जितनी पीपल हैं, हाउस ऑफ पीपल हैं, इनके से इतनी पावर होती है कि उस पर्टिकुलर कैबिनेट मिनिस्टर को डिथ्रोन किया जा सकता है उसकी पोस्ट से। ओके, देन अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस लाने हो, किसी भी एक्ट में कोई भी चेंजेस लाने, कोई नया लॉ हो उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि पिछले जब हमने लॉ बनाया था उसमें अब ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो वो लॉ जो अमेंडमेंट है उसमें चेंजेस कौन लेके आते हैं, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों टुगेदर मिलकर अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। ओके, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, जो भी इलेक्शन होते हैं फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मैंने पहले बोला था प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होता है वो हम जनता नहीं करती है, ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं फॉर द लोकसभा, ये लोग मिलके एज वेल एज जो कैंडिडेट जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द लोकसभा पीपल्स, ये दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं मिलके वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन में भाग लेते हैं, और इनके वोट से ही ये तय होता है कि कौन प्रेसिडेंट और कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। ओके, इनके अलावा इनके और भी मिसलेनियस फंक्शन हैं कि लोकसभा जो है वो अगर उसको ऐसा लगता है कि द प्रेसिडेंट जो हम इन्होंने इलेक्ट किया है वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपरली अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है या कुछ अड़चन लेके आ रहा है या फिर वो एथिकली अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वो प्रेसिडेंट को उनकी डेजिग्नेशन से हटा भी सकते हैं। ओके, इनके अलावा इट कैन डिस्कस द प्रपोजल पास बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा जो होती है वो अगर ऐसा बोलती है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हमने इलेक्ट किया है तो हमें उसको हटाना है, तो उसके लिए वो डिस्कशंस कर सकते हैं। इट कैन डिस्कस द प्रपोजल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना हो फॉर अनएथिकल वर्क, हाँ हालांकि आप यूँ ही नहीं हटा सकते हैं, आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का उसने
अनएथिकल प्रैक्टिस करी है या नहीं, कुछ ऐसा काम जो कि उसने नहीं करना चाहिए, उसने लॉ के अगेंस्ट कुछ ऐसा किया है, तो वहाँ पर हम वहाँ पर ये लोकसभा के जो कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पर किसी भी जज को और हाई कोर्ट के जज को उसे बर्खास्त करने के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द लोकसभा टू कन्फर्म इमरजेंसी प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट विद इन अ मंथ, अदरवाइज प्रोक्लेमेशन शैल बी ऑटोमेटिकली नलीफाइड। ओके, अगर इन केस प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देता है तो ये जो लोकसभा के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं ये प्रेसिडेंट के सामने प्रोक्लेम कर सकते हैं कि आपने इमरजेंसी क्यों लगाई, इसको वापस हटा देनी चाहिए, है ना। जो भी डिस्कशन वो करना है वो विद इन वन मंथ ही करना होगा। अगर इन विद इन वन मंथ में अगर लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं, अगर ये वापस प्रेसिडेंट के पास जाके ये ना पूछे कि क्यों आपने इमरजेंसी लगाई है, हम लीडर्स हैं, हम अच्छे से लीड कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम थी, ये वो जो भी डिस्कस करना वो विद इन वन मंथ ही करना होगा। अगर वन मंथ अगर के अंदर अगर डिस्कशन नहीं करा तो जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो अब लागू होगा जब तक उनकी मर्जी रहेगी, इमरजेंसी जब तक लगी रहेगी, जब तक प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा। ओके, नाउ द काउंसिल ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा की क्या फंक्शनिंग है। ओके, क्या सबसे पहले इनके हम मेंबर्स के बारे में जानते हैं। इनमें मैक्सिमम मेंबर जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं राज्यसभा में 250 के हैं, जिसमें से 238 जो मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव जो हमारे MLAs होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं उनके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है इन द राज्यसभा, जिसमें 238 मेंबर्स इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द वेरियस डिफरेंट स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके कुछ फिक्स मेंबर्स होते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट्स के इतने मेंबर्स राज्यसभा में होंगे, ऐसे इलेक्ट किए जाते हैं। जो MLAs होते हैं उन्हीं को इलेक्ट किया जाता है, वो उनको राज्यसभा कैज मेंबर इलेक्ट किया जाता है। रेस्ट जो 12 मेंबर्स हैं वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको नॉमिनेट करते हैं विद इन द कंसल्टेशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। दिस मेंबर्स आर अमंग फेमस पर्सनैलिटीज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, सोशल और पब्लिक। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं या कुछ ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज होती है, कोई फिल्म स्टार हो सकता है जिसकी बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ हो, कोई आर्ट या लिटरेचर के फील्ड में से हो सकता है जिसकी बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ, तो उसको राज्यसभा की नॉमिनेशन दी जाती है। तो ये 12 सीट्स हैं, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ को ही मिलती हैं कि लाइक क्रिकेटर्स हो गए जिनका जिन्होंने बहुत बड़े काम करे। ओके, या फिर जिन्होंने सोशल सर्विसेज में जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा उनको ये 12 सीट्स में नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। फिर इनके अलावा जरा क्या 11 में, और अगर हम MP में देखें तो MP में ऐसे 11 सीट्स हैं या फिर ऐसे 11 मेंबर्स हैं जो कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं या जिनको राज्यसभा की मेंबरशिप मिलती है, ऐसे 11 मेंबर्स। ओके, ये MLAs भी होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है एंड उसके लिए भी इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा में। ओके, उसके बाद ही वो उनको इलेक्ट किया जाता है। ओके, नाउ क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है फॉर द लोकसभा और जो के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सेम राज्यसभा के लिए भी, उनकी एज भी मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, बट जो डिफरेंस जो है जो डिफरेंस है वो केवल एज में है। जो सारी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए लाइक कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए, मतलब सीवियर क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए। फिर इनके अलावा इंसान की दिमागी स्थिति जो है वो ठीक होनी चाहिए। ओके, बट लेकिन जो एक डिफरेंस है वो केवल इतना है कि जो एज है वो 25 से 30 साल होनी चाहिए, मीन्स 30 ईयर्स का होना चाहिए, उसके बाद ही कोई मेम्बर जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो सकता है या इलेक्शन लड़ सकता है उसके लिए। अब प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, क्या प्रोसीजर रहता है कि इन मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाए। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ओके, जो भी विद इन द पार्टी सिस्टम जो भी प्रपोजल सिस्टम होता है उसके तहत उनको नॉमिनेट किया जाता है, वहीं पर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं MLAs होते हैं स्टेट के वो इलेक्ट करते हैं। द काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन लाइक द हाउसेज ऑफ पीपल। हाँ, पर लेकिन जैसे कि लोकसभा जो होती है उसको कभी भंग किया जा सकता है, पर लेकिन ऐसा काउंसिल ऑफ स्टेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनका टेन्योर होता है ये 6 साल का होता है, हर एक मेंबर 6 साल के लिए नॉमिनेट होता है। इसमें 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स एंड इन देयर प्लेस न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड। अब इसमें से 33% मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हर 2 साल में रिटायर होना पड़ता है, उनकी जगह कोई दूसरे मेंबर, कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव उनकी जगह लेता है। दस देर इज कंटिन्यूटी इन द टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, और जैसे कंटिन्यूटी बनती जाती है। ओके,
ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट, ओके, पार्लियामेंट के ऑफिसर्स, देयर शैल बी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द राज्यसभा, ओके. अब जो चेयरमैन होते हैं, जैसे लाइक हमने स्पीकर समझे थे कि लोकसभा में स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, वैसे यहाँ पे जो इसमें होते हैं, यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं. अब जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, वो उसको इलेक्शन करने का प्रोसीजर ये होता है कि वो पहले है ना अपने पूरे जो टर्म रहता है उसमें, उस दौरान अपने पॉलिटिकल कैरियर में, उस दौरान वो कभी ना कभी राज्यसभा का चेयरमैन बनना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ सकता है. द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट सिलेक्ट वन मेंबर फ्रॉम अमंग्स देम एज अ वाइस चेयरमैन. अब जो काउंसिल ऑफ स्टेट जितने भी इलेक्टेड होते हैं, लाइक 250 मेंबर्स होते हैं, उनमें से वो लोग आपस में ही किसी एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. द ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस फॉर अ वाइस चेयरपर्सन जो मैन है वो 6 साल का ही है, ओके. अब जो वाइस चेयरमैन का फंक्शन भी सेम एज द लोकसभा स्पीकर होता है, जो होती प्रोसीडिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती है राज्यसभा में, उसको कंडक्ट करवाना, ओके. अब क्या क्या पावर्स हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, राज्यसभा के तो सेम एज है लोकसभा के, लाइक जैसे लेजिस्लेटिव पावर है तो उसमें भी वो कानून पारित करने का, यानी कोई बिल को एक्ट में बदलने का काम करते हैं. जो भी कोई बिल बनाया जाता है तो पहले वो लोकसभा से फिर राज्यसभा में आता है, उसको जब ये लोग उसको क्लियरेंस देते हैं या फिर उसको जब वो लोग पारित करते हैं, जब जाके वो एक्ट बनता है, ओके. फाइनेंशियल पावर्स भी सेम है, जो भी डिसीजन बिल जो रिलेटेड टू फाइनेंस है, वो जब लोकसभा के लीडर्स उसको कन्फर्म करते हैं या उस बिल को बनाते हैं, तो जब भी वो एक्ट बनेगा, जब भी वो कानून बन पाएगा, जब विद इन 14 डेज राज्यसभा में उसी बिल को पेश करना होगा, और वहाँ से जब क्लियरेंस मिलेगा तभी वो बिल जो है वो कानून या एक्ट के तौर पे कहलाएगा, ओके. कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ओके. द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कैबिनेट मिनिस्टर बाय आस्किंग क्वेश्चन ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ओके. इनके पास यह हक है, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ओके, उनसे ये सवाल जवाब कर सकते हैं किसी पॉलिसी से रिलेटेड, कि आपने क्या काम करा, क्या काम नहीं करा, आपने पब्लिक के लिए ये वादा करा था, आपने ये प्रॉपर दिया है, आपने ये प्रोग्राम या पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, इससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, कितने लोगों को और ऐसे कितने लोग और बचे जो कि इस पॉलिसी का फ़ायदा लेंगे, ये सारे डिस्कशंस वो कर सकते हैं. द लाइक द मेंबर हाउसेस ऑफ पीपल द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, ओके. जैसे ही लोकसभा के जो कैंडिडेट मेंबर्स होते हैं उनके पास राइट्स हैं तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, सेम वैसा ही इनके पास भी वो राइट्स हैं कि वो भी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते हैं, ओके. दे हैव पावर टू डिस्कस द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो सेम जैसे लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं किसी हमें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है या फिर किसी हाई कोर्ट के जज को हटाना है या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट को हटाना, तो ये सारे पावर्स इनके पास भी हैं, ओके. इमरजेंसी जो प्रोबेबिलिटी अगर प्रेसिडेंट लगाता है, सेम जो लोकसभा लीडर्स के पास जो है सेम इसका ही, इनका भी यही नॉर्म से इनको भी विद इन 1 मंथ ये प्रोक्लेम करना पड़ता है कि वाई इमरजेंसी क्यों लगाई है, किस लिए लगाई है, कारण पूछने पड़ते हैं, ओके. और इनके पास भी 1 महीने का ही समय होता है. अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स का 2 स्पेशल पावर होती हैं जो कि लोकसभा के लीडर्स के पास या लोकसभा के मेंबर्स के पास, कैंडिडेट्स के पास नहीं होती, ओके. जानते हैं वो क्या है. द काउंसिल कैन डिक्लेयर अ सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट ए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर सच सर्कमस्टांसेस द पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर टू फ्रेम लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट. राज्यसभा के लीडर्स का जो पावर है कि कोई मैटर जो स्टेट में चल रहा है उसको वो नेशनल इंपॉर्टेंस दे के उस पर कोई भी कानून या लॉ फ्रेम कर सकते हैं ना. कोई भी मैटर हो जो विद इन एक स्टेट चल रहा हो, उसको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने नया इस मैटर पे जो उन्होंने नया उस स्टेट की गवर्नमेंट जो बिल बनाना चाह रही है वो नेशनल इन द फॉर्म ऑफ अगर नेशन की तरफ पे देखे तो उसकी भी ज़रूरत है उस बिल की पूरे नेशन में लागू कर दिया जाए. तो इनके जो पावर्स हैं कि उस मैटर जो स्टेट का कोई भी मैटर है फ्रॉम द स्टेट लिस्ट उसको नेशनल इंपॉर्टेंस देके नेशन के ऊपर वो कानून फ्रेम करवा सकते हैं, ओके. फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन द नेशनल इंटरेस्ट में पास रिजोल्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस. अब ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है नेशन के इंटरेस्ट के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज
के लिए कोई भी रिजोल्यूशन ला सकते हैं, कोई भी नया कानून ला सकते हैं। सच रिजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट हु हैव राइट टू वोट। और ऐसा करने के लिए इनको ऑल इंडिया सर्विसेज की जो भी बात हो रही है, ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक UPSC, IPS, IAS, इसमें कोई भी रिजोल्यूशन लाना हो तो राज्यसभा के मेंबर्स ला सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि 71% टू थर्ड 67% जो मेजोरिटी वोट्स होना चाहिए वो उस रिजोल्यूशन के फेवर में होना चाहिए, तो वो कोई भी चेंजेस ऑल इंडिया सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑल इंडिया सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी रिजोल्यूशन या चेंजेस ला सकते हैं। ओके, प्रिंसिपली बोथ द हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैव इक्वल पावर्स बट प्रैक्टिकली हाउसेज ऑफ पीपल इज मोर पावरफुल। ओके, अगर देखा जाए तो बहुत सारे पावर्स ये लोग मिलकर शेयर कर रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे पावर्स ऐसे हैं जो लगभग सेम जैसे दिखते हैं कि लगभग जो हाउसेज ऑफ पीपल है लोकसभा के पास, जो लोकसभा कैंडिडेट्स हैं मेंबर्स उनके पास जो पावर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स के पास भी लगभग सेम पावर्स हैं। तो जो इन टर्म्स ऑफ पावर जो देखा जाए जो लगभग जो पावर्स उनको शेयर मिलती है वो लगभग सेम मिलती है, बट स्टिल इसमें ऐसे ये माना जाता है कि लोकसभा के जो कैंडिडेट्स होते हैं मेंबर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं। ओके, क्योंकि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द हाउसेस ऑफ द पीपल। अगर हाउसेस ऑफ पीपल को ऐसा लगता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स ठीक नहीं है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको उसकी डेजिग्नेशन से हटवा भी सकते हैं। द हाउसेस ऑफ पीपल इज पावरफुल रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस बिल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल बिल्स जो बनाने पड़ते हैं तो लोकसभा के कैंडिडेट से बनाते हैं, उसको केवल पारित करने के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। तो ये दो चीज़ जो है वो एडवांटेज देती है लोकसभा कैंडिडेट्स के। ओके, अब